क्या हो गया माय नेम इज इमरान कुछ कुछ हो जा सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके यार। फिर से हो चुकी है वापसी और मैं घर से यार मैं बोल लूँ घर से यार मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, माइंड से ही बात निकल गई थी, स्किप हो गई थी। अभी मैं आया हूँ बाहर और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट तक 6:30 के करीब करीब, क्योंकि हमारी क्लास है यूनिवर्सिटी की। हम एक जगह बैठे तक आधा घंटा रहता है 6:30 में, हमने पहले चाय पी लें क्योंकि सर्दी जो है इस्लामाबाद में इंतहाई सर्दी है, अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बस सर में भी दर्द हो रहा है, हर जगह दर्द हो रहा है। फिलहाल तो हम यूनिवर्सिटी के करीब करीब पहुँच गए जी। ये पहले तो ये चाय गर्म गर्म देख लें, भाई को भी देख लें। गुलामदीन साहब आप देख सकते हो अपनी शक्ल है, दिखा सकते हो यार। सही बात है, एक सर्दी है और ऊपर से गाली नहीं दे सकते, मसला ये यार कोई सीधी बात है। गुलामदीन की बातें सुनने की खैर जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को पता इग्नोर करे तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। यार आपको दिखा दो, आप कहेंगे मजाक करें, ये देखो ये हमारे रजिस्टर भी है, और ये तेरा रजिस्टर की तरह जलील आदमी, वो देखो वो उधर पड़ा है। ठीक है, एक जैसा हमने रजिस्टर लिया था जो कि क्योंकि सेमेस्टर का भी एंड हो गया, काम ख़राब हो गया। और क्या सुन रहा है, बंद कर दे इसको यार। अब चाय पीते हैं और चाय के बाद जो है ना आपसे गपशप करते हैं। चाय तो खैर हमने पी ली है, ये देख रहे हो। चाय पीने के बाद मुझे याद है आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें हो जाए। तो गुलामदीन अभी बात कर रहा था, कहता यार जो झोंपड़ी में रहते हैं ना उनको भी सुकून मिलता है। ठीक है, और ये एक सीरियस बात कर रहा हूँ मैं कि सुकून जो है ना पैसे में नहीं है। मैंने फिर ये बात कह दिया किसे, मैंने कहा यार सुकून पैसे में नहीं है, तो वो कहता है कि यार इस तरह करो जितने पैसे मुझे दे दो सुकून मेरा ले लो। तो जितने भी व्यूअर्स हैं अगर उनको मैं अकाउंट नंबर दे दूँ सुकून चाहिए तो ले गुलाम। सही बात है कि ना, पैसा होगा सुकून नहीं होगा, जब पैसे नहीं है तो फिर बात खत्म। ना पैसा है ना सुकून है, ये भी अच्छा यार, दोनों चीज़ें नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं शुक्र मालिक का एहसान है, सब फिट है, सब परफेक्ट है। खैर इस्लामाबाद थोड़ा थोड़ा ढाबे की सूरत में आपको दिखा दूँ। वो है बाहर जो वो नहीं निकलता जिसके पास पैसा हो, जिस बेचारे के पास है ही कुछ नहीं तो क्या छीनेंगे लोग। हाँ, हम इतनी रात में इसलिए बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो ना कुछ है ना कुछ, जो हमें रोकेगा कुछ दे के जाएगा ना गुलाम भी, क्या कहते जाओ यार चाय पी लो। अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे यार आपसे, अभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे ना, यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे, इतना देख भी तो खैर आपने है, लेकिन अब क्या करें यार, रूटीन यही है, एक दो दिन तो यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। किधर चलें, दो चार अच्छी बातें करने दो यार। दोस्त तुम्हें पता है पूरे के पूरे 20-25 लोग देखते हैं मुझे, तो ये बारह बजे ये मेरा सब्सक्राइबर है। ठीक है, अगर ये हट जाए तो फिर एक आधा काम हो जाएगा, तो लेकिन मैं ऐसे इसलिए लेकिन यार ये बात याद रखना, इसने मुझे चाय भी पिलाई है, इतना अच्छा सब्सक्राइबर है मेरा। ये सोच रहा था कि ये कहेगा कि मैंने इसे चाय पिलाई, लेकिन मैंने नहीं पिलाई, इसने पिलाई। ठीक है, मुझे वो खुशी तेरे साथ। वाओ यार, कोई कुछ ऐसे फैंस नहीं बन सकते जो आके पिक्चर्स लें और मेरी तरह खुशी हो जाए, मुश्किल है। चलो आगे चलते हैं यार, पहले तो आप मेरे दोस्त का एक शेर सुन लो। नहीं नहीं, अच्छे वाला सुनना, फैमिली देखती है, सही बता रहा हूँ। एक शेर के जॉन फरमाते हैं कि बड़ी गहरी बात है यार, अगर समझ आ जाए कि हमने किया गुनाह तो हमें मिली दोज़ख, दोज़ख का क्या कसूर किया मुझसे मिले। वाओ क्या बात है गुलामदीन, जिंदगी में पहली बार जब से ये हमारे साथ पढ़ने लगा कोई, ये पहली बार अच्छा शेर सुनाया इसने, वरना ये इसकी शायरी ऐसी नहीं होती, अलग लेवल की होती है इसकी। ये नान पीटी अपनी पहला किसी को सुनना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं गुलामदीन से, नीचे नंबर है 0300 41 14 1947। नीचे मैं नंबर दे दूंगा यार इसका, ये बात सच है, अगर आपने इसे कॉन्टेक्ट करने से शायरी सीखनी है, ये वैसे बाकी शायरी लिखता है लेकिन होती किसी काम की नहीं है। तो आप लोग नहीं से तो बिल्कुल नहीं सीख, सीधा कह दे कि बस के यार इसे ब्लॉक करो, अगर आपको कहीं दिख जाए ना थप्पड़ शप्पड़ मार के निकाल दो यहाँ से, बस और कुछ नहीं हो सकता यार। गुलामदीन परेशान है आजकल, कहता यार इतनी सारी जिंदगी हो गई, जॉब नहीं मिल पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा, और वैसे आपको सही बात बताऊँ ना, ये परेशानी मुझे भी है, और हमारा जो MBA है ऑलमोस्ट लिखा होगा ना यार, बेशक मिलेगा। सही बात, MBA जो है एंड हो गया ऑलमोस्ट, कि एक महीने ही रह गया। मैं ये बात कर रहा था कि ये जो फेस है ना लाइफ का, घर वाले कह रहे हैं कि हमारा बच्चा MBA करके गाड़ी लेगा, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं गाड़ी के नीचे आते कहीं। यार नहीं, लेकिन आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये वाला फेस जो है ना लाइफ का स्टूडेंट्स का, लाइक 24 साल से ऊपर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंसान की। खैर अभी MBA के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जाने। हमारी आदमी मेहनत होती है, इंसान मेहनत कर रहा होता है, मैं आपको सही सही सीरियस सीरियस वाली बातें कर रहा हूँ, अभी नहीं मजाक नहीं करना, सीरियस सीरियस बातें ही बता रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, आप लोग जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी हमारी तो है, वो भी सेट हों, अल्लाह बेहतर करे, हमारे लिए भी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे मैं कह रहा हूँ ये वाला जो फेस होता है हम सबके लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और
रहे हो, खैर समझ नहीं आ रही होती कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है आपको, सही बताऊँ तो वो उठो यूनिवर्सिटी जाओ काम करो, आप नंबर भी ज़्यादा ले लो कम ले लो, बस वो सारी सिचुएशन जो है ना फर्क नहीं पड़ता, हाँ फर्क नहीं पड़ रहा होता लास्ट जाके, और इतना एक आपका माइंड चल रहा होता है एक जगह भी नहीं, आप सोए सो पता नहीं कितनी कितनी जगह आपका माइंड चल रहा होता है, अभी बैठे हुए मैं बातें आपसे कर रहा हूँ माइंड कहीं और होता है, कभी इंसान क्या सोच रहा होता है कभी क्या सोच रहा होता है, तो एक किस्म का आपको सही तो समझ नहीं आ रही होती लाइफ जा किस ट्रैक पर रही है, कोई एक ट्रैक मिल नहीं पा रहा, इंसान अक्सर कहता है कि यार एक ट्रैक पकड़ लो तो ज़िंदगी सवर जाती है, लेकिन वो एक ट्रैक जो है ना उस एक ट्रैक पर चलते चलते हज़ार सोचें आ रही होती हैं, किसी दिन खैर ये भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करते आपको, अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करें हमें भी कामयाब करें, यहाँ से चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और फिर जाके बात करते हैं, आखिरी बात करते हो तो यार गुलाम ने कभी कर सकते हैं आप, हाँ एक और बात भी है यार आपको सही, आपको सही हकीकत बता रहा हूँ, हम गुनाहगार लोग हैं सारे, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ा करें वो फ़ायदा, और जब भी नमाज़ पढ़ोगे 100% बात है काफ़ी सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द सोचे ना वो बंद हो जाती है, और ये आजमाई हुई चीज़ है मेरी भी, ये हदीस में आता है कि जो बंदा औरों के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं, बेशक औरों के लिए भी दुआ करें खुद के लिए भी दुआ करें, नमाज़ पढ़े और आपके प्रॉब्लम्स देखें आप सॉल्व कैसे होते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मिलते हैं यूनिवर्सिटी जाकर, यार ये है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन यकीन करें कभी आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो कि सांस लेने के लिए भी तड़प रहे हैं, जिस हाल में भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, यार बेसिकली बात वही है गुलाम दिन की भी करने की कि जिस हाल में रहें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ठीक है अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर हाल में रखा होता है इंसान को, और इंसान जो है ना शुक्र है, और ये चीज़ें खैर हमें भी खुद भी फील होती हैं, ठीक है अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया हुआ है खाना पीना अच्छे से, जब दिल करे वो कहते हैं ना उठ के खाना खा लो मंगवा लो बाहर से चाहे खुद घर से खा लो, हर चीज़ मिली होती है हर चीज़ अच्छे से, ड्रेस भी अच्छे से या देखो खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस भी पहन रहे थे, उसके बाद भी जो ना शुक्रिया ना इंसान की वो जारी होती है, तो कोशिश किया करें आप लोग भी और हम लोग भी अल्लाह पाक खैर करें, अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो यार अच्छाई होंगी हमारे साथ इंशाल्लाह, एक दिन जो भी शुक्रिया ना वो होगी हमारे पास, ये देख रहे हो कभी तो आएगा वक्त यार हमारा भी अल्लाह खैर करे, आ इसलिए आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद के रोड रात रात को बाइक वो भी अपनी नहीं है चाचू की है पेट्रोल अपने और ये जो पीछे जो कह रहा है कि यार 30,000 किसकी बाइक है इसकी खुद बाइक उतर दे रही है इसकी देर से मैंने कहा यार दोस्त की है नहीं नहीं झूठ बोल रहा कोई नहीं बेची आज तक ली नहीं बात है बिना ये की कहते ना तुम मेरी बाइक की बेइज्जती करोगे यार सहन होगा गलत बात यार ये आपको सही बताऊं ना हमारे मुश्किल तरीन वक्त का साथी आया कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमें धोखा नहीं दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफियत से 4 साल नमल के गुजारे हमने और ये 1.5 साल जबिस में भी होने वाला ये भी अच्छे दिन चला अच्छा रहा यार सब है मेरा सेलिब्रिटी दोस्त और कोई जगह नहीं मिलती सलाम वालेकुम कैसे हो सर मैं क्या हाल है सभी ठीक है बेहतरीन हाँ बना ले यार आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं प्लीज थोड़ा सा आईफोन में फिर भी अच्छा लगेगा बहुत प्यारा लो यूनिवर्सिटी खैर मुझे तो ना ही देखो जरा मैं यूनिवर्सिटी के खूबसूरत खूबसूरत फूल देखो और पीछे वाली आवाज़ भी आपको आ ही रही होगी खैर ढोल ढमक्के की लोग बहुत दूर दूर जाके ढोल बजा रहे हैं कोशिश करूँ उसको जूम करने और आपको दिखाने ये आवाम खड़ी जी उधर जाना नहीं चाहिए क्योंकि क्लास है यार मेरी मैं उधर अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ हमने दूर से देखना चाहिए यूनिवर्सिटी हम पहुँच गए देखो हमारी यूनिवर्सिटी में लिफ्ट भी है अगर हम लिफ्ट के से ऊपर जाएंगे हमने अपना प्रोजेक्ट उठाना और सर से जलील होकर फिर नहीं चाहेंगे ठीक है प्रोजेक्ट में जलालत होती है हमारी हमेशा ये बंदा है 7 दिन हो गए उसको कह रहा हूँ प्रोजेक्ट दे दो सर को प्रोजेक्ट दे दिए अब वो अगर बैठे हुए तो हमें जलालत का सामना करना पड़ेगा ऊपर जाके दिखाते हैं यार आपको बहुत गर्म किया ज़रारत नहीं हुई क्योंकि सर नहीं बैठे थे सर बैठे तो ज़रारत हो जाती ठीक है रौनकें देख लो यार हमारी यूनिवर्सिटी की एक एक दो दो लोग नजर आ रहे होंगे आपको इससे ज्यादा मोहसिन जहाँ भी होता तू नजर आ जाता यार शर्म किया कर यार ये देख सकते हो आप ना क्लास में जो है हम पहुंच गए खैर ऑफिस से क्लास में कोई भी नहीं नज़र आ रहा 1, 2, 3 और एक मैं 4 गुलाम में 5 आ रहा बाहर हो गया इसके अलावा ठीक है क्लास लेते हैं क्लास के बाद क्या ही करेंगे यार क्लास के बाद कहीं खाना खाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको बस इससे ज़्यादा नहीं समझ आता गुलाम दिन बताना ज़रा लॉल किसे कहते हैं
लॉल है एलओएल बता किसे कहते हैं किसे कहते हैं किसे कहते हैं यार ये कहते हैं ना कि बेवकूफ को जो और आपको ये भी बता दो इसने ना यहां से मीनिंग देखा उसके बाद भी ना ये गलत बता रहा है ठीक है ये वो बंदा इसने यहां पे सर्च किया ये देख रहे हो ये आप ये ठीक है उसके बाद भी उसके बाद भी उसके मेरे गलत तो मतलब बेवकूफ गुलाम दीन यार तूने सही कहानियां की हुई है यार ये छोटी छोटी चीज़ें देख लो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ क्लास की हमें ब्रेक हुई है मेरा दोस्त नाच रहा था बोला मैं अब नाच के दिखाओ ना यार वीडियो में आराम कर हाँ उससे वो ढोल बजाना आ रहा है बड़ी मुश्किल से कह रहा कुछ अच्छी सी बजाए ये देख रही हो यार क्लास के यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं है यार खाली खाली यूनिवर्सिटियाँ और फिर हमें बुला लिया जाता है यहाँ पर जलील करने के लिए यार ये गलत बात हम ही हो रहे होते हैं भैया ये देखो जी वाह जियो इंतजाम ये तुम्हारा होना चाहिए था यार क्यों नहीं कर सकता तेरा अपनी ट्रेडिशन का है तू वो फिल्में करा रहे मैं आपको गुलाम दीन लग रहा हूँ यार मर्जी है तेरी पठान है या नहीं है पठान है या नहीं है पठान है पठान दूर है गुलाम दीन नहीं पठान है लेकिन वो नहीं है मुसलमान क्यों नहीं मैं पहले पठान हूं जा यार देख लो यार इनको ये काम आता है ठीक है ना गुलाम दीन भी कोशिश कर रहा है अपना डांस निकालने के लिए अब ये नहीं पता होगा या नहीं होगा बार तो ये जो पीछे म्यूजिक चल रहा था ना गुलाम दीन उनके पास गया कहता है कोई सिंधी लगाओ हालांकि वो खुद गा रहे थे वो कह रहे थे यार सिंधी हम इसे बर्दाश्त नहीं होते तो हम सिंधी म्यूजिक कहाँ लगाए जलील हो गए गुलाम दीन का डांस रह गया यार तेरी फात ओए फात गुलाम दीन उन्हें कहता सिंधी गाना लगाओ तो वो कहते यार हम खुद गा रहे हम ये नाचने गया था जलील हो गया आगे ये ठीक था वैसे यार किया है ना अपलोड यार ये सारे दोस्त मेरे देख लो ये इन सब को देख तो ये सबसे शरीफ इंसान है इमरान इमरान यार इंट्रोडक्शन दे दे इधर देख के क्या हो गया माय नेम इज इमरान कुछ कुछ प्लीज आकर वो प्रेजेंटेशन वाली बात है चलना इमरान चुप हो भाई मुझे नहीं आता क्या बोलूं ओए कह रहे ओए कह रहे भाई मुझे नहीं है इसे अपना नाम भी नहीं पता बोला तो इंग्लिश में बोले यार अभी भाई यही होता है मुझे खुद सिकंदर तेरी बात चाचे मामू के नाम भूल गए तो मैंने कहा ये कौन फिर मैंने कहा ये भी मेरा चाचा हाय गाइस ओके गाइस तो हो नहीं लेकिन पहले कोई बात हो या ना हो मैंने ये वाला लिंक शेयर कर दिया ये वाला लिंक मैंने एग्जैक्ट शेयर कर दिया बोला मैं इसके हर बात की मुखालफत करता हूं जी प्लीज अब ओए नो नो ओए नो मई को जरा मत नजर रख के जरा मुखालफत करनी बिल्कुल बहुत से अच्छी बंदी है ये सब बातें ये जो पहली सब बात है मैं किसी और को कहना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा ये सब मुस्लिम को मैं कह रहा हूं ओए नो मई की मुखालफत वापस लेते हुए सारी चीजें और हम इस सारे मामले की मजम्मत करते हैं कौन कौन जोनी है कौन इंसान मैं आप लोगों का एक अपना प्यारा सा दोस्त दिखा दूं ये पहले मोटिवेट करता है और उसके बाद आपको ना डीमोटिवेट करके रख देता हूँ मैं आपको स्टोरी भी बताता हूँ पहले ये देख लीजिए महमूद भाई ठीक है ये अभी एक भाई को कहता कि ना यार जबिस वाले कुछ भी नहीं कहते जितनी छुट्टियां करनी है कर लो उसने कहा अगले सैटरडे में छुट्टी करूंगा ये भाई हैं ठीक है तो फिर उसे कहता है नहीं नहीं छुट्टी ना करना फायदा नहीं एग्जाम आ गए ये मैं गया। और दूसरी बात कहता है एग्जाम के ना कि किसी ने कुछ इतना खास पढ़ाया नहीं है यार क्या करे एग्जाम में तो सारी टेंशन दे के हमने कहा ये बात ठीक है बाद में कहता है कि ना यार टेंशन की बात ये मैं मुझे यार यूनिवर्सिटी से फाइनली हम जो है निकल चुके हैं घर के लिए क्योंकि हमारी क्लास है वो एंड हो गई थी बट आपको मैं बताना ये चाह रहा था यार इस्लामाबाद में इतनी शदीद किस्म की सर्दी अगर आप देख लें पहले तो सर्दी तो नहीं दिखेगी बट आपको मौसम वो कहते हैं ना वीडियो में देखें नोयत का अंदाजा हो ही जाएगा
यार इतनी सर्दी, मुझे लग रहा है कि कहीं माइनस में होगा टेम्परेचर, हाथ जम रहे हैं सही बताओ। खैर अल्लाह माफ़ करे, वाह सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सर्दी, बहुत ही ज़्यादा, अब मुझे समझ नहीं आ रही, ये बाइक में मेरा हाथ देख रही जम चुका है। ये सोच रहा था कि ना कि किसी तरीके से क्या, खैर कल से जाके वो लेके आए ग्लव्स वगैरह, वो पहने और सुकून रहेगा। इतनी ज़्यादा सर्दी है यार कि समझ ही नहीं आ रही, बोलना क्या यार, बोला भी नहीं जा रहा। बाकी यार मैं आपको बताता, चलो यूनिवर्सिटी से हम निकल आए थे, अभी हम जा रहे हैं जी खाना खाने, कहीं बैठते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा वीडियो भी यहीं पे एंड कर दूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें और लाइक करें, और कोशिश यही होती है आपको एंटरटेन करें। मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं आपको एंटरटेन करने के, इंशाल्लाह कुछ और किस्म अच्छी किस्म की वीडियोज़ भी बनाएंगे, क्यों बड़ा नहीं कुछ, लेकिन ये इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें भी होंगी वीडियोस के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं वो चीज़ें भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। काइंडली आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जितनी हो सके मोहब्बत वो करें, लाइक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन लोग जो हैं वो मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती आपको तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि उसको मैं आइंदा उस वीडियो को उस चीज़ में करने के लिए ज़रा गुरेज करूँ। गुलाम दिन आखिरी दो चार चीज़ें कुछ कहना चाहो तो ठीक है, ये आखिरी बार इस्लामाबाद की ज़रा सड़कें भी देख लें, रौनकें भी देख लें। इस्लामाबाद में खूबसूरती बहुत है, सारे लोग यही कहते हैं और हकीकत है, खूबसूरती भी है, सफाई भी है, सब कुछ है, बट सर्दी भी इंतहा की सर्दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुलामदीन साहब बोल लो, कुछ बोल रहे थे आप? शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। आखिरी बार यार ये भी देख लें, गुलामदीन को भूख लगी जाके अब खाना। तो वैसे मैंने वीडियो एंड कर दी थी लेकिन मैंने कहा खाने के टाइम पे आपको सर्दी इतनी ज़्यादा ना, ज़रा फिश दिखा दो, हम खाएँ ना खाएँ अलग बात है, ठीक है। ये देखें ये खूबसूरत चलो जी, गुलाम दीन की फरमाइश पे ही वो चीज़ मैंने दिखाई है आपको, ठीक है, और कुछ भी, और इनके जो वट्टल वाले मसाला ना मैं आ गया तो वो भी सब खान पीना चाहिए। ये देखिए जी, बस यार बहुत होगी, वीडियो यहीं पे एंड।